सो फ्रेंड्स आज दी इस वीडियो नंबर 5 विच असीं कुछ होर फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने सिखांगे विंडोज़ 11 विच। जेकर तुसीं पहलियां वीडियोज़ नहीं देखियां, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ते वीडियो 4, तां पहला वो वीडियोज़ नूं सीरीज़ विच देख लो। यह वीडियो उन्हां दी कंटिन्यूटी विच ही है। सो सब तो पहला हुण असीं जिहड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखांगे वो है जूम मीटिंग्स। इन्हां सारे सॉफ्टवेयरां नूं इंस्टॉल करन लई हाई स्पीड इंटरनेट दी लोड़ है, ब्रॉडबैंड। zoom.us वेबसाइट है, डाउनलोड ते जावांगे असीं, फिर डाउनलोड ते क्लिक करांगे। 45 MB का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। जो सेटअप डाउनलोड हो गया, जिन्हें भी साढ़े सेटअप डाउनलोड होंगे ने डाउनलोड्स फोल्डर विच जाते हैं, डाउनलोड्स फोल्डर विच उतों असी सेटअप नू रन कर सकते हैं। जूम डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल हो गया, सो असी डन करांगे। फिर असी इस दे विच जॉइन अ मीटिंग या साइन इन करके रख लांगे, या असी इहदे ते अकाउंट बना लांगे तां कि असी इस सॉफ्टवेयर नूं वरत के जूम मीटिंग्स अटेंड कर सकीए। इस विच सानूं लॉगिन करन तों बाद माइक ते वैब कैमरे की सैटिंग करनी पैनी है। अगला साडा सॉफ्टवेयर है वट्सएप, इहदा असी वी असी डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करांगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़ 144 MB दा है। इदां ही असी जब तक ये डाउनलोड होंदा टैलीग्राम नूं डाउनलोड कर लैंदे हां। टैलीग्राम भी एक वट्सएप की तरह मैसेंजर है। टैलीग्राम डेस्कटॉप telegram.org वैबसाइट है। गैट टैलीग्राम फॉर विंडोज़ x64 का मतलब है भी 64-bit ली। असी लिंक ते क्लिक कर देंगे। जिन्नी देर टैलीग्राम का सैटअप डाउनलोड होंदा उन्नी देर असी वट्सएप नूं इंस्टॉल कर लें, सैटअप नूं रन करांगे। तुसी नोट किया होना वट्सएप का सैटअप साइलेंट सैटअप है, मीन सानू कोई डायलॉग बॉक्स नहीं, कोई सैटिंग बारे नैक्सट बटन ते क्लिक नहीं करना पैंदा। जस्ट जो असी सैटअप नूं रन करते उस वट्सएप ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इस बार कोड नूं स्कैन करके असी लॉगिन कर सकते अपने वट्सएप विच। इसका डेस्कटॉप आईकॉन बन जाता है। सो टैलीग्राम का सैटअप डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो है। हुण असी अगला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखते हैं, बर्नवेयर। CD या DVD नूं बर्न करन लई, उस ते फाइल्स नूं राइट करन लई असी इहनूं वरतदे हां। बर्नवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नूं असी डाउनलोड करांगे। वैसे तो अजकल असी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ट्वेंटी 2.7 MB का सैटअप है। लैट इट गैट डाउनलोडिड। पहला बर्नवेयर जिदे नाल असी CD DVD बना सकते हैं उसनों इंस्टॉल करांगे। नैक्सट हुण असी आ सॉफ्टवेयर नहीं चाहते, WinX DVD रीपर वगैरह इनू नहीं चाहते, तो इनू अनटिक कर देना। इदा ऑप्शनल ऑफरस होंदी है सैटअप विच, ध्यान नाल इंस्टॉल करी दी है सॉफ्टवेयर। ऑडासिटी ये सॉफ्टवेयर ऑडियो फाइल्स नूं एडिट करने लिए यूज होंदा है। सो अगला सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक्स फॉर विंडोज़। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज विच प्रोग्रामिंग करनी हो बहुत वधिया सॉफ्टवेयर है codeblocks.org। ये ऑफिशियल वैबसाइट है, उत्थों डाउनलोड करांगे। वैबसाइट विच डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़ ते क्लिक करांगे। फिर
फिर साडे कोले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिंक कई काफ़ी सारे लिंक होंगे। असी जिहड़ा लिंक देखना हैगा वह असी देखना हैगा कोड ब्लॉक्स विद मिन जी डबल्यू सैटअप। मिन जी डबल्यू कंपाइलर है, सो उहदे नाल ही असी सॉफ्टवेयर की जिहड़ी ईएक्सई फाइल है सैटअप की वह डाउनलोड करनी है। सो असी क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर साडा 145 MB का डाउनलोड होने लग गया ऑटोमैटिकली। इन्हें असी अगला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ओपन शॉट। वीडियो एडिटर है जो तुम वीडियो फाइल्स वगैरह बनाया हो एडिटिंग करनी हो। सो ओपन शॉट डॉट ओ आर जी वैबसाइट है, डाउनलोड करते हैं असी सैटअप। विंडोज़ लई 64-bit इंस्टॉलर डाउनलोड, जिनी देर सैटअप डाउनलोड होंगे असी कोड ब्लॉक्स में इंस्टॉल कर लें। कोड ब्लॉक्स में असी सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट एनवायरमेंट है IDE, सी ते सी प्लस प्लस विच प्रोग्रामिंग करा। नैक्सट आई एग्री। फस्ट टाइम जो ये कोड ब्लॉक्स ओपन होएगा तो असी यस एसोशिएट कोड ब्लॉक्स विद सी सी प्लस प्लस फाइल टाइप्स थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो ओके करांगे। इस तो बाद मैं तुहानू एक सैटिंग दसनी चाहुंदा, सैटिंग्स च जाना है असी एडिटर च जाना है, फॉन्ट च जाना है, फॉन्ट चूज, इतों तुसी फॉन्ट का साइज या फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सो जिद्दां मैं 18 कर लिया ओके, मैनू ये काफ़ी छोटा लगता हुंदा है, सो तुसी इतों ये सैटिंग चेंज कर लेनी है। हुण तुसी इस विच सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स लिख के चला सकते हो। ओपन शॉट वीडियो एडिटर नूं असीं हुण इंस्टॉल करांगे, सैटअप नूं रन करदे हां। यस लाइसेंस एग्रीमेंट नूं एक्सेप्ट करांगे। नैक्सट नैक्सट इंस्टॉल। मैं तुहानूं फिर दसना चाहुंदा जिन्नी देर इंस्टॉल हुंदा है टास्क बार दे बिल्कुल सज्जे पासे बॉटम कॉर्नर ते जे तुसी क्लिक करदे हो तां डेस्कटॉप शो हो जांदा। इत्थे छोटा जिहा एक बटन हुंदा जो सानूं दिखदा नहीं पर माउस नाल असी क्लिक कर सकदे हां, डेस्कटॉप दिख जांदा, टॉगल हो जांदी है। जे तुसी सारीआं विंडोज़ नूं मिनीमाइज़ करना है तां बिल्कुल टाइम क्लॉक दे बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर ते तुसी क्लिक कर सकदे हो। दिस पीसी आईकॉन ते राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ च जाना है, इत्थे तुसी सिस्टम टाइप विच देख सकते हो कि तुहाडा कंप्यूटर प्रोसैसर ते ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit नूं सपोर्ट करते हैं या 32-bit नूं। जे इत्थे 64-bit लिखा होया है तां तुसी सारे सॉफ्टवेयर 64-bit ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं। 32-bit नूं इंस्टॉल जरूर कर सकते हो पर अवॉयड करो, इग्नोर करो। सो असी ओपन शॉट दे सैटअप कंप्लीट हो गया, असी नूं लॉन्च करते हैं। सो इत्थे असी वीडियोज़ नूं एडिट कर सकते हैं, बहुत वधिया सॉफ्टवेयर है। साड़ी लिस्ट च अगला सॉफ्टवेयर MP3 टैग का, MP3 टैग डॉट DE तो इन्हू डाउनलोड करांगे। 64-bit वर्जन वाला असी सेटअप डाउनलोड करांगे। इस दे नाल असी MP3 सोंग्स के टैग नू एडिट कर सकते हैं। टैग का मतलब होंदा जिहड़ी उहदी फाइल की इनफॉर्मेशन है, सिंगर की इनफॉर्मेशन है, एल्बम की इनफॉर्मेशन है, एल्बम आर्ट है, जो सानू किसी भी प्लेयर विच या मोबाइल विच जदों गाना चलदा उत्थे दिखदी है उहदी इनफॉर्मेशन। टाइटल हो गया, ईयर हो गया, जेनर हो गया, सो वो सारा कुछ असी इत्थे इस सॉफ्टवेयर नाल MP3 फाइल्स गाणियां दी फाइल्स दे टैग नू एडिट कर सकते, बहुत वधिया सॉफ्टवेयर है। बैच एडिट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सॉन्ग्स नू इक्को टाइम ते एडिट कर सकते। फिनिश। सो अगला सॉफ्टवेयर है के लाइट कोडेक पैक मेगा,
वैसे तो असी VLC प्लेयर इंस्टॉल कर लिया सी, पर मैं तुहानू इह वी रिकमेंड करूँगा K-Lite Codec Pack Mega नू डाउनलोड करना है। इहदी वैबसाइट है codecguide.com, इत्थों ही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड नीचे इस तरह की इहदा इंटरफेस है, पहले ही सर्वर तो असी डाउनलोड कर लें। तकरीबन 58 MB की कोडेक पैक्स ने। कोडेक्स की होंदिया ने, कंप्यूटर विच अलग अलग तरह दिया ऑडियो या वीडियो फाइल्स नू प्ले करन लई या उन्हां नू एक फॉर्मैट तो दूजे फॉर्मैट कन्वर्ट करन लई सानू यह फाइल्स चाहिए होंदिया ने। बैकएंड ते काम करदी हैं, मतलब असी इन्हां नाल डायरैक्टली डील नहीं करते, इन्हां नू सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एज अ सपोर्टिंग फाइल्स। सो जेकर साडे कंप्यूटर विच यह फाइल्स होणगियां तां असी वीडियोज़ या ऑडियोज़ नू प्ले भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर ते हर तरह की, तो वो वधिया भी चलणगियां, कन्वर्जन विच भी सानू फायदा होगा। नैक्सट। वैसे थोनों ये ऑप्शन देख लेनी है, पर नैक्सट ही ज़्यादा वधिया है। तुसी ये सैटिंग्स लेटर ऑन भी चेंज कर सकते हो। K-Lite मैगा जिहड़ा पैक है, ये एक मीडिया प्लेयर नू भी इंस्टॉल करता है, उस विच भी तुसी वीडियोज़ वगैरह नू प्ले करके देख सकते हो। वो प्लेयर भी बहुत वधिया, जे तुसी VLC प्लेयर या विंडोज़ का मीडिया प्लेयर नहीं यूज़ करना। बाय डिफॉल्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर विच या जो विंडोज़ की कैपेबिलिटी है, वो सारिया वीडियोज़ या सारी तरह दी ऑडियोज़ नू प्ले नहीं करती विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सानू फिर थर्ड पार्टी कोडेक्स ते सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पैंदे हैं। फिनिश कर दूंगा मैं, हुण मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि स्टार्ट बटन ते क्लिक करदे हां आपां, ऑल ऐप्स ते जांदे हां, K-Lite Codec Pack विच तुसी इत्थों सैटिंग्स भी कर सकते हो सारिया, पर आ मीडिया प्लेयर क्लासिक है, इस विच असी किसी तरह का भी गाना या वीडियो नू चला के देख सकते हैं। बहुत वधिया प्लेयर है ये। जेकर तुहाडे कंप्यूटर ते कोई ऑडियो या वीडियो नहीं चल रही तो तुसी मीडिया प्लेयर क्लासिक विच उसनू प्ले करके देखो। टैलीग्राम के सैटअप नू रन कर लेने, बड़ा स्लो डाउनलोड होया है। टैलीग्राम भी वट्सएप वर्गा एक मैसेंजर है, जिसका डैस्कटॉप वर्जन अवेलेबल है। टैलीग्राम इंस्टॉल हो गया, स्टार्ट मैसेजिंग करते हैं बटन पर, तो वो सानू बार कोड स्कैन करने लिए कह रहा, जिस तरह असी वट्सएप का बार कोड स्कैन किया। एक सॉफ्टवेयर मैं थोड़ा होर दसूँगा, जी लिपी सी ए गुरमुखी फॉन्ट कन्वर्टर वैबसाइट तो रजिस्टर करके डाउनलोड कर सकते हो। इस भी नाल असी यूनीकोड पंजाबी विच टाइप कर सकते हैं, इसका आईकोन तुसी देख सकते हो, यूनीकोड पंजाबी विच असी टाइप कर सकते हैं। यूनीकोड पंजाबी इदां दे फोंट हुंदे हैं जिहड़े किसी भी वैबसाइट ते किसी भी कंप्यूटर भी चल जाते हैं। सानू उन्हां फोंट्स बारे टेंशन लैण दी लोड़ नहीं कि सामने वाले जिन्हों असी वो फाइल शेयर करांगे टाइप की हुई कि वह साढ़े पंजाबी विच टाइप किए हुए अक्षरां नू देख सकेगा, उस को सही डिस्प्ले होणगे। सो यूनीकोड पंजाबी विच फॉन्ट का चक्कर इन्ना नहीं पैंदा, एक इदां दी टेक्नोलॉजी। सो तुसी डाउनलोड GLIPCA करदे हो, तुहानू रजिस्टर करन लई कहेगा, तुसी रजिस्टर कर लेना, फिर इहनू डाउनलोड कर सकते हो। सो GLIPCA का भी असी डाउनलोड कर लिया, ये बैकएंड ते काम करदा, बस इसनू डबल क्लिक करके ये ट्रे विच चलिया जाएगा, उस तो बाद तुसी जिथे भी टाइप करोगे तो पंजाबी विच टाइप होएगा। जेकर तुसी इंग्लिश च टाइप करना तो कंट्रोल बटन नाल 1 की प्रेस करनी है तो यह डिसेबल हो जाएगा, हुण अंग्रेजी विच टाइप होएगा, Ctrl+1 नाल फिर एक्टिवेट हो जाएगा। सो तुसी इदां टाइप कर सकते हो। इहदे विच कुछ सैटिंग्स ने, जिहड़े फॉन्ट विच तुहानू टाइपिंग आती है, सीस विच आती है या जॉय विच आती है, अनमोल लिपि विच आती है, तो तुसी वो सिलेक्शन कर लेनी है, तो फिर तुसी नॉर्मल टाइपिंग करनी है, फिर जिथे भी तुसी टाइपिंग करोगे यूनीकोड फॉन्ट्स विच टाइपिंग होएगी। सो साडा अगला सॉफ्टवेयर है USB फाइल अनहाइडर। USB फाइल अनहाइडर नू sourceforge.net तो असी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत वधिया यूटिलिटी है, आम करके पेन ड्राइव जिहड़ियां असी USB पेन ड्राइव जिहड़ियां होंदियां ने उहनां विच साडियां फाइल्स हाइड हो जांदियां वायरस करके, वो वायरस नू क्लीन करन लई असी ये सॉफ्टवेयर नू वरतदे हां। बहुत वधिया सॉफ्टवेयर है, इहनू भी अपने कंप्यूटर विच हमेशा
रखना चाहिए। ये इंस्टॉल नहीं होंदा, ये जस्ट एक ईएक्सई फाइल है, वो डबल क्लिक करे तो रन हो जाती है। जिदा डाउनलोड होगी तो जो तुसी क्लिक करांगे तो साढ़े को रन हो जाएगी। इस तरह असी इतों अपनी यूएसबी पेन ड्राइव नू सिलेक्ट कर लेना है, फिर इत्थे आ जाएगा बटन आ प्रोसीड इनेबल हो जाएगा। जो असी प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो साड़िया सारिया फाइल्स ने जिहड़ियां वह हिडन की बजाय विजिबल हो जाएगियां। बाकी तुसी इत्थे ऑप्शनस देख सकते हो, रिमूव ऑटो रन वायरस, रिमूव शॉर्टकट वायरसिज, ये तुसी इत्थों ऑप्शनस नू टिक करके फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पर इस तो पहला तुहानू जो तुसी पेन ड्राइव कंप्यूटर विच लगा लोगे तो वो सिलेक्ट करनी पैनी है, सिलेक्ट ड्राइव और फोल्डर। सो पंजाबी दे फॉन्ट्स या हिंदी दे फॉन्ट्स मैं तुहानू दस्सिया सी इंटरनेट तो डाउनलोड कर लेने हैं। जिदा पंजाबी फॉन्ट्स जिदा पंजाबी डॉट इंडिया टाइपिंग डॉट कॉम ते अपा पंजाबी दे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन्ने फॉन्ट ने तुसी सारे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर विच इंस्टॉल कर लेने हैं। जिस तरह मैं थोड़ा कोई फॉन्ट इंस्टॉल करके दिखा देना, फॉर एग्जाम्पल असीस, या असी असीस ज़्यादा वरतते हैं या अनमोल लिपि। सो मैं असीस फॉन्ट नू डाउनलोड कर दिया, जिप फाइल डाउनलोड हुई है, पी जिप सॉफ्टवेयर नाल ये खुलेगी। डाउनलोड्स जाने असी, डाउनलोड्स के फोल्डर विच असीस फॉन्ट डॉट जिप पई है, तो मैं राइट क्लिक कर दा तो एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिना, एक्सट्रैक्ट कर दें। सो असीस डॉट टी टी एफ फॉन्ट की फाइल की एक्सटेंशन होंगी है ट्रू टाइप फॉन्ट डॉट टी टी एफ, डबल क्लिक करके इन खोलेंगे, फिर इतने एक इंस्टॉल का बटन बन जाता, उन्होंने इंस्टॉल बटन नू क्लिक कर देंगे तो साडा फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा साडे कंप्यूटर। या तुसी की कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करो, इसनू कॉपी करो, राइट क्लिक करो, रन बॉक्स विच लिखो फॉन्ट्स, कंट्रोल पैनल च जिहड़ा फॉन्ट्स का फोल्डर होंदा असी उन्हूं इदां भी खोल सकते हैं। सो इत्थे असी पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, क्योंकि असी इस फॉन्ट ते असी इंस्टॉल बटन पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। सो हुण उह सानूं कह रहा भी तुसी ओवरराइट करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, असी इत्थे नो कर देंगे। पर जेकर तुसी पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा कोई फॉन्ट तो तुहानू इत्थे ये डायलॉग मैसेज नहीं दूंगा। इस वीडियो नू देखने लई थैंक यू।